वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त गेम स्टेशन महाराष्ट्र, और आप देख रहे हैं गेम स्टेशन महाराष्ट्र यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में दो बाइक्स को किस तरह से एक साथ चलाए, यानी कि दो बाइक्स को हम एक साथ किस तरह से चलाएंगे। तो इसी के बारे में मैं आपको आज की इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो आज की इस वाली वीडियो को हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं गाइस। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के, 3D में किस तरह से दो बाइक्स को हम एक साथ चला सकते हैं, तो सबसे पहले आपको गेम ओपन करना है, फिर आपको हाउस से बाहर निकलना है, और आपको मोबाइल फ़ोन निकालना है, और कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करना है, और आपको कोई भी बाइक का चीट कोड सिलेक्ट करना है। मैं आपको प्रीफर करूँगा न्यू KTM का करिए। तो न्यू KTM का कोड है 1190। हम KTM मंगा लेंगे एक बार, फिर हम वहाँ से बिना हिले फिर कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके हम फिर से मंगा लेंगे KTM ही। 1190 KTM का चीट कोड है। तो जो KTM है वो KTM के ऊपर आकर गिर जाएंगी, तो हम इससे ऐसा धक्का दे देंगे गाइस, और एक KTM हम उठा लेंगे। तो हम यहाँ पर एक KTM को उठा लेने पर दो KTM उठ जा रही है, आप देख सकते हैं गाइस, और आपको मैं चलाकर भी बता दूंगा। आप देख सकते हैं एक उठाने पर दोनों उठ चुके हैं, और आपको चलाकर बताता हूँ। आप जैसा कि देख सक रहे हैं दो KTM एक साथ चल रही हैं, एक छोटी सी राउंड भी मारकर आ जाती है, जैसा कि आप देख सक रहे हैं गाइस। तो गाइस, अब हम दूसरी गाड़ी पर चेक करते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। तो जैसा कि गाइस, हम अब चीट कोड दूसरा लेते हैं, हम अब लेते हैं पल्सर का, 1211 पल्सर का कोड है, चीट कोड है। आप देख सकते हैं आ चुकी है हमारी पल्सर। फिर से हम चीट कोड डालेंगे 11 तो हम डालते हैं पल्सर का चीट कोड 1211। ये पल्सर का चीट कोड है, जो कि हमारी पल्सर आ चुकी है। और गाइज, जैसा कि तो यहाँ पर हमारी पल्सर आ चुकी हैं, तो हम पल्सर को उठाते हैं गाइज। देख सकते हैं कि ये वर्क कर रहा है, जैसा कि आप देख सक रहे हैं गाइज, हम एक साथ दो दो गाड़ियाँ चला सक रहे हैं, देख सक रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर। तो गाइज, आपको आज की इस वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इस वाली वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो गाइज, आपको क्या करना है, एक बाइक का चीट कोड डालना है, फिर उसी बाइक का चीट कोड बाजू में डालना है, तो आपका वर्क कर जाएगा। आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी मज़ेदार वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।